चाह चू पी ला। हां पीछे ना पैजी बस मेरे हबोते। गुरबर अकाल सत श्री अकाल, स्वागत कर रहे जी तुहाडा एक नवे ब्लॉग ते नवी वीडियो दे विच। कल आपां तुहानू डिस्किट मिनिस्ट्री दिखाई सी ते डिस्किट दे विच लग्या होए इक महात्मा बुद्ध जी दी प्रतिमा दिखाई सी भी किवें ओह भाई इस जगह दी रक्षा कर रही है ते फ्यूचर बारे उहदे बारे की गल्लां करदे आ। अज्ज सफरनामे नूं अगे वधाउण दा टाइम ते अज्ज आपां चलांगे हंडर पिंड दे विच। हंडर आ जिहड़ा ओह मशहूर आ आपदे सैंड ड्यूस करके, यानी कि जिहड़ी रेत करके नुब्रा वैली दे विच इह सारी जिहड़ी थां पै जांदी हैगी ते उत्थे मशहूर आ गए दो कुमाले उठ चलदे। उठां दे उत्ते लोक बहिंदे हैगे ते फिर आपदा रेत दे उत्ते, जिवें राजस्थान दे विच कैमल सफारी चलदी आ, इत्थे वी उदां ही उठां दी सफारी करके मशहूर आ। ते बाकी जिहड़े इत्थों दा लोकां दा रहिण सहिण आ ओह कहिंदे आ भाई वी बहुत रिच जिहड़ा कल्चर हैगा ते उवें ओह पुराने टाइम दे विच रहिंदे आ। बाकी हुण आपां इत्थों चलांगे, चल के इह चीज़ देखांगे वी किन्नी कु सच्चाई है कि अज्ज वी लोकी उस टाइम दे विच जिवें इह पुरातन रहिंदे हुंदे सी उमें रहिंदे आ, लोकां दा रहिण सहिण की आ। ते हुण ते फिलहाल आपां कल सानूं ओह मिनिस्ट्री दिखाई सी जिहड़े पासे धुप्प पै रही आ ते इह महात्मा बुद्ध जी दा इक स्टैचू दिखाया सीगा। इधर अपना आड़ी खड़ा गा ते हुण आपां इत्थों चल देंगे। बाट इत्थों नज़दीक आ, कोई हंडर दी बाट वाली ज़्यादा नहीं हैगी ते फिलहाल पर आपां जिहड़ी बाट चढ़ के आए हाँ पहलां उह थल्ले उतर देंगे। अज्ज दी वीडियो दे विच आपां दो नां लैणे आंगे। बाई होरां दे कमेंट आ रहे सी वी साडा नां जरूर लिओ वीडियो दे विच, चमकौर सिंह टल्लेवाल ते बाई गगन सीगा जिला फतेहगढ़ साहब हैगा। तो वीडियो कहिंदे असीं हर रोज़ देखदे हां, धन्नवाद। तो नां लैण दी सिफारिश सीगी, सो भाई जी तुहाडा नाम हाजिर है जी वीडियो दे विच। हे अकाल पुरख जीओ, अज दा सफ़र शुरू किया है, अंग संग होके सहाई होना, जो भी हो आप जी का भाणा मिठा करके मन का बल बख्शना। मेरा अज का रहिंदा है दिन ते सभना दा खुशियां भरा बतीत होवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। डिस्किट दे विचों मिनिस्ट्री ते महात्मा बुद्ध जी दे लगी 108 फुट की प्रतिमा देख के आप चले आगे हूँ अगे हंडर वाल। अज्ज की वीडियो के जिमें दसिया हंडर देखने मिलू, हंडर के हूँ शाम का टाइम आ, सनसैट का टाइम आ, यानी कि सूरज के छिपन का टाइम आ गया, प्रभात वेला जिन्हों आप कह दें। कहते सोहना झाका वजदा गा, मैनू किसी ने एडवाइज किया, पहला मैं अज अगे जाना सी, कहते नहीं शाम का जोड़ा रंग हैगा तुम वह हंडर देखियो जरूर की रंग बहता गा। तो फिलहाल हूँ आप हंडर के चलते हाँ, हंडर के रहण का भी देखना आप अज्ज का, तो जे क्योंकि ठंड काफ़ी आ अज इधरले पासे अपना आखिरी दिन, ये तो बाद फिर अगे जाके कैंपिंग सैटा देखांगे, जे मौसम ने आग्या बख्शी तो जरूर लावांगे आप। सारी इधर बनी हुई मिनिस्ट्री सी ते इतों फटाफट निकलदे आ। टाइम 4:16 हो गए शाम के, क्योंकि अद्धे शाम का व्यू सानूं दिखाउणा, सो तां करके ये इकट्ठी वीडियो नहीं, तां कि तुहाडा भी इंट्रस्ट आ वज्जा रहे ते मैनूं भी चंगा लगता रहे सानूं ये थावां दिखाउणियां। झूले जी जदों इन्हां नूं झूले, जिवें हुण आपां फतेह बुलाउंदे हांगे ते इन्हां नूं आपां झूले बुला दिंदे, झूले कह दिंदे हांगे, फतेह दी सांझ पै जांदी बस अपनी। पेट्रोल पंप डिस्किट लंघ के ते हंडर दे विचाले जे वी हैगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम दा, इत्थे पेट्रोल ते डीजल जे भाई जे किसी ने पिछों नहीं पाया तां इत्थों भरवा लिओ, रेट वेट तो उही जिहा ही होगा। बाकी जिथे सानूं लोट लगता उत्थे पहला सरदार बंदा अज दे दिन दा जिहड़ा मैं देखिया सी। इत्थों 4 किलोमीटर बस डिस्किट तो हंडर सैम डेजर्ट शाम का टाइम आ, खिच के जो चलीए फिर इस तो बाद चाचू देखा उत्थे बह के पीवांगे नाले नज़ारा देखांगे। हंडर के जोड़े सैंड ड्यूज आंदू कुछ क रास्ता कच्चा मिलू, तो शाम का जमा टाइम तो सामने सूरज जो पहाड़ों में जी एक लाइन जी बन के लाइट जी आ रही है ना, वक्री रंगता है क्या बात है। तो ऐ सारा ये कच्चा जा रहा है, गूगल मैप के सहारे आया सी मैं, क्योंकि इधर गड्डिया भी काफ़ी आ रही सी टूरिस्ट, मैं क्या इधर ही आ हजे तक कोई बाई ढाई नहीं, उदा टिब्बे जिमें राजस्थान जिमें रेगिस्तान के टिले होंगे है ना, ओ सैंड दे बरेती दे टिले जे तो चल पे, तो जिहड़े हिसाब नाल सड़क वधिया बनी हुई है, ये कच्ची आ भावें पर वधिया बनी हुई आ, तो इधरले पासे ही लगता गा। तो मैप मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन नैट नैटवर्क होंदे हुए भी मैप ने तो पिछे लोकेशन एंड करती, बाकी ये कच्चा रोड हजे
मैप दे विच अपडेट नहीं होया, बस सीधे आई जाने उत्थे लिखिया हुआ सेंड यूज मैप ला लियो, मैप थोड़ा ईजी रहिंदा है ना। तो सड़क के उत्ते कोई साइन बोर्ड वगैरह सीगा नहीं, तां करके मैं दिखाया नहीं, क्योंकि जे साइन बोर्ड हुंदा है ना फिर ही दिखाउण दा फायदा गा। सड़क तो इधरों भी आऊगी किसी पासे हो जा रही है, सड़क इधर दी भी राह तो आऊगा किसी पासे दी, देखते हैं अगे चल के जो पता लगता सुन मैं दस दिना इनफॉर्म कर देना, ता कि थोड़े लिए सुखाला हो जाए। मैं तो लंघ ही जाना भाई, आय हाय वाहगुरु ये कच्चा रास्ता है। हो सामने एक जवाक आता, उन्होंने पूछते हैं किधर आ सारा कुछ, वो भाई पर लंघ गया किस साइड, हाँ वहां से आना पड़ेगा, कैमल वगैरह किधर है आगे जाके, अच्छा ठीक है जी भाई, कहना पिछे जाना पू तेन मुंडिया गूगल दिया घूमन घेरिया ते ना लगे हो कोई साइन बोर्ड, ये चक्कर आ गया भाई का। जतेंद्र भाई है कोई, उन्होंने मैसेज आता रहा भी भाई साइन बोर्ड असल दे विच इधरले पासे साइन बोर्ड है ही नहीं कोई, जिन्ने को होंदे भाई दिखा दिंदे आगे आया गल भी जेडे तो होंगे है ना वो अपन दस दे जाओ, पर हम इतने जिम्मे कोई साइन बोर्ड नहीं, मैं तो आप भड़किया फिर शुक्रिया जी। तो बई ने दसा अपन राह भड़ के सू राह दिखाया बई ने, गड्डी के पिछे पिछे चलते हैं भी कितना कितना लाया भी पड़ू इतों जोड़ा ये हंडर ये शुरू हो जाता बिल्कुल रेत आरी हुई तो आल इधर पानी वग रहा सोहना रंग बज रहा है गा, तो ऐ लग रहा राजस्थान के होंने ना जिमें आप क्या रची है कुदरत ने। खैर दरिया का हिस्सा हो गए कदे दरिया के चीज़ा निकलिया हुई ने, ऐ रेत दे दूर दुराडे तक दीदे दोनों पासे टिले आ। आखिरकार इस हंडर डेजर की पार्किंग दे विच पहुंच गए आप, हम इतने पहला मोटरसाइकिल खड़ाइए किसी पासे ते अगे की कारवाई फिर पाइए, इत्थे ला दिंदे झोटे नूं, इन्हां ने मूँह इधर नूं करके लाया मैं इधर नूं करके ला दिंदा, शिप दे वल मूँह करांगे आपां चढ़दे वल नहीं करदे। ते इह दी सारी डेजर जिथे पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग दे विच खचा खच भरिया होया माहौल, टूरिस्ट इत्थे भी देखण नूं खासा मिलदा। खैर ते हुण आपां इधर नूं चलदे हां जिहड़े पासे डेजर्ट हैगा, ते रेट इत्थे कमरिआं कुमरिआं दे खिचवें आ पूरे, सो कोशिश करांगे आपां घंटे के इत्थे सारा देखिए ते थोड़ा जिहा इत्थों ना अगे लंघीए, क्योंकि अगे जाके फिर आपां थोड़ा जिहा पिंड बदल लाँगे तो रेट सस्ता पैजू। हंडर दे विच रहण सहण काफ़ी महंगा गा, मैं पहली दस दिना तुहानू 1500 तों थले होम स्टे दे विच कोई गल नहीं कर रहा, पर मौसम ठीक आ जे ना होया तो आपां टेंट लावांगे अज फाइनली। तो नाल वाग दे पानी दे उत्ते आए दो बांस जे रख के बस हैं, फटियां रखिया हुई ने, नज़ारा आ रहे ने भी ठीक है। ये शाम का माहौल, चारे पासे पहाड़ों के बस जमा हूँ उत्ते उत्ते धुप रहेगी, जिहड़े एरिए आप फिर रहे सूरज थले नूं हो गया तो हूँ दिन छिपन वाली है नेड़े बस। तो इधरले पासे सारा डेजर्ट, तो जिते पहला अड अड एक्टिविटिया जिमें होंदिया आप मनाली वगैरह च भी देखते हैं, इतने चलो इन्होंने गिलास नहीं रखे ओलंपिक वाले निशाने लवाए जा रहे हैं, जिन्होंने लवाने निशाने भाई दसो दूजे तीर कमान जी रखी बैठे आ, वासियां लगियां पे भाई नूं कैसे हो, आर्चरी का कितना है इधर लिखा हुआ है 500 रुपीज़ ठीक है, बस निशाने आ कोई जेतु विजेता तो है नहीं गा, भी जे लागे निशाने तो थानू आ देवे, ठीक है जी ठीक है ठीक है। कैसे हो जी, 100 का 5 अगर बंदे ने लगा दिया तो क्या मिलेगा, आप जिसने लगा दिया आपको हमारे तरफ से गिफ्ट दो, हम तो कच्चे निशान ची हैं,
अच्छा दो निशाने लगाने फालतू मिलेगा। ठीक है ठीक है, चलो मैं देख हूँ फिर आके लगाते हैं। लाओ भाई ये सुन लिया भाई ने निशाना, ये ओ ना बहुत ही बार बना गया। खा सही जी भाई, चलो जी पर आप तो है अन्ने निशान ची कहूँ पंगे रहने है ठीक है। ऊंची जो वो गिलासा जहाँ तो वधिया जेडे जिमें मनाली जो गिलास जो रखी बैठे होंगे तो आर्चरे वधिया सारे ये रखे हुए इन्होंने इत्थे। ठीक है भाई ठीक है, ऐ गलबात है उधर बैठे सारे बोते आप बोतें को चलते हैं पहला ये तो पहला कि दिन छिप जी तो इधर बैठे आ सारे बोते दो कुबाले बोते खासे फेमस आए अपने तो ढुड जैक होंगे ना तो इन्ह के दो आते विचाले जिमें कुर्सी बनी होंगी ना ए बैठन थां ये वड्डी वड्डी जत्त तो आ बैठे सारे ये उधर टिकट काउंटर देखते हैं की पाप कहें भाई ये नींद चढ़ी पिया बेचारे आ प्याव की मस्ती चलम लेट जीवन फकीर की अदा मूँह सोना सारे ना व्डा ये क्या बात है सोने उठा है। चलो आप हम पहला रेट रूट पता करके आने की कहें रेट भा ये इधर बने हुए इन्हें टिकट काउंटर बैठे है इन्हें मालिक अड्ड अड्ड बंद अड्ड अड्ड कैंपा है आ की आ अच्छा ये इन्हों की यूनियन हो इत अड अड बंद कितने लगते हैं कितने रुपए एक बंदे के कितने टाइम के लिए 15 मिनट कहाँ तक वो ठीक है ठीक है ठीक है आए हैं गल 490 रुपए लेंदे तो हो दूर तक जाके आंदे आप पैदल चलांगे तो आह भैड़िया भैड़िया आवाजा कड़ी जाता पर हूँ कहते बोता दंदी भर लेंदा होंदा सुनिया जरूर आ ते ये स्पैशल आ गए उठे इतने जोड़े लोग आपकी राइड करना तो इतने इन्हों देख आए आता बच्चा हजे जवाक है यार सोना है ये सारे सफारी कर कह रहे 490 रुपये। हाँ जी बोता जी किवें हो हैलो बोते ले भाई आ जा खड़ा लाभ दे पार्किंग गड्डिया चलो सारी गड्डी पार्क होगी भाई जी बाजा बड़िया घंट कढ़ दे उसे कोले चल दें जो बोलिया दोबारे वो आज भी गल डार चीका जगाड़ पै रहा जो बोता थले बैठ रहा ये बोते भिड़ गए भिड़ गए भिड़ गए भाई नहीं यार बीबिया डरातियां बचा रही बोते ने ते आने के बोते हैलो बोते भाई किवें आ बासियां लगियां पईयां बोते नूं तां चाह चू पी ला पीनी नहीं हाँ कन्नां दे विच इहनां दे पता नहीं की निशानी पाई हुई जां तां इह अड्ड अड्ड रंग जिहे दे पाए हुए सारियां दे वड्डी वड्डी जत्त जिवें भेड़ दी नहीं हुंदी उन्ना उवें है इहदे गर्दन दे उत्ते वधिया बनी हुई आ। सति श्री अकाल जी ऊना पिछे पै जी भरावा मैनूं तां डर लगदा बहुता दंदी वड़दा हाँ हाँ बोल दुबारे गल खराब हो आवाज नहीं निकल रही भाई तो यह आ जाता सारा यह डैजर्ट इनू यह डैजर्ट कह दिया दरियावा का मोड़िया हुआ मूँह पिछे छड़ी हुई बरेती तो रेता तो यह सारा इधर ए जिमें कोई राजस्थान होंगे ना ए लगता बस आप पहाड़ों भुल जाओ तो इन थलों नज़ारे देखो
राजस्थान में बुला दूंगे। ऐ चल दिया इतने ये दो कुब्बा वाले बोते इतने किमें बोते। सत श्री अकाल भाई जी, ठीक हो? हाँ पिछे ना पैजी बस मेरे खाला, मैं तेनों की कहना ते पिछले पासे सारे वह बोटे उठ बैठे। ओए तू बद गया, ये सारे पिछे उठ बैठे है कि इन्हों के उत्ते कर दे लोग सफारी। तो अड अड जी है कोई बड़ा जड़ा है ना किसी के गर्दन जत जी किमें मूँह किमें जी का, तो कोई बेचारे निके निके शायद छोटे तो चलो जवाकों तो घट भार वाले बिठा देने हो गए। तो आ कला भड़क गया बेचारा, इनू राह नहीं लभ, इन लभ नहीं रहे आपके साथी। तुरपया 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 चल बी बोते। ਇਹ ਆ ਹੰਡਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏ ਟੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਭਜਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀਲੀਆਂ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਕੁੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਆ। हाँ भगत बंदा ये नथ नथ पाई भी है ये सोना है सुता पे ना जा। बस इस सैंड डेजर्ट का नज़ारा गा, ये उधरों चल दिया गए उठ जिथे आप आए थे ऐ सारा ये घुमा के इस रेत के उत्ते उधर दी जिथे झंडा चली जाता उतों की गेड़ा कढ़ा के ऐ लिया। तो बस आए हाउ वाज द एक्सपीरियंस अमेजिंग। ओके ठीक है जी, ठीक सत श्री अकाल जी। तो ये भाई सारे लेके आ रहे इन्हों के नज़ारे, ठीक है भाई। जो उठ जा उठता ज बहता उदों चीकां कढ़ाउंदा सारे नहीं जिहड़ा उत्ते बैठा हुंदा गा। कोई टाइम सी जदों अपने भी है ना उठण नाल सारा कुछ चलदा सी। कैसे हो सर? कैसे हो? ठीक हो? जना रेट क्या रेट है? 450। अकेला हूँ यार। 490। बड़ी ये कैसे बढ़ गया अकेले बंदे होने का? मुझे ये बताओ बंदा अकेला बताया काम करने की वजह आपने बढ़ा क्यों दिया? सर्दी में फिर इन ऊँटों को कहाँ रखते हो? जंगल में छोड़ देते हो? अच्छा जैसे वो अभी समर वाले ने तो छोड़ दिया। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ये क्या है? ये मुंह पे लगाने के लिए, हवा नहीं लगेगी आपको, लगा के देखो। ये निकाल लो, आगे पीछे निकल जाएगा ये, ऐसे इसके बीच में सिर आ जाएगा। लगा के देखो। सही लग रहा है ना? हाँ सही है, हवा नहीं लगती इससे आगे, रेता नहीं आएगा। ऐसी आइटम है जी, अगर गाने सुनने वो सुने जाएंगे। हाँ सुनते हो गाने? नहीं सुनते? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। कम सुनता है ये, मतलब अभी कब तक आएंगे यहाँ पे टूरिस्ट? कितना टाइम ओपन रहेगा अभी? और सीजन गर्मी में, अभी गर्मी में ओपन होगा। बंद कब हो जाए, कितने दिन बाद बंद हो जाएगा? कल चल दूसरा ग्रुप में चला गया, एक से चला गया। उठ बजे आ जा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाई का बनया हुआ शरीर। तो हूँ बाई कहता बस ये थोड़े टाइम तक ही इन्हों छड़ देंगे, रेट तो चल बेचारे नहीं सी पता। इन्हों ना जिमें आप पिछे सुमर दे विच रुके सी, सुमर दे विच भी असी उत्थे भी बने हुए आगे, मतलब जिमें ये चीज़ सेम आना ता ही उत्थे गए नहीं, क्योंकि जेडे उत्थे जिन्ने भी उठ आ गए उन्होंने जंगल दे विच छड़ते ऑलरेडी, भी हुण टूरिस्ट आउणों हट के उधरले पासे
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਝੂਟੇ ਦਵਾਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਕੇ ਰਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਬਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਨਸੈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਧੁੱਪ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਂ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਐਂ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਝਾਕਾ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਚੀਕ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਪਹੂੜ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਤੇ ਸਾਰੇ ਝਾਕਣ ਲਾਤੇ ਉੱਧਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੀ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਆਹ ਬਹੁਤ ਰੰਗਤ ਵੱਖਰੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਟੈਂਟ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ। ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ? ਕਿਆ ਖਾਣੇ ਮੇਂ? ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਸਮੋਸਾ ਹੈ? 30 ਕਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਧਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਾਏ ਦੇ ਦੋ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਛੋਟ ਕਰੇ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਚਾਏ ਪੀ ਲੇਂਗੇ। ਔਰ ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਓ, ਹੋਮ ਸਟੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਠੀਕ ਰੇਟ ਮੇਂ ਕਹਾਂ ਪੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਤਨੇ ਮੇਂ? ਮੈਂ ਤੋ ਪਿੱਛੇ 500-600 ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਾ ਹੂੰ ਲੱਦਾਖ ਮੇਂ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਵਾਰਾ ਵੋ ਸਭ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਸ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਤਨਾ, ਖਾ ਕੇ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਗਾ ਸਰ। ਬਿਨਾ ਖਾਏ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਤਨੇ ਮੇਂ? ਬਿਨਾ ਖਾਏ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਢੂੰਡਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੁਦ ਕਾ ਖਾ ਲੇਂਗੇ, ਖਾਣੇ ਕਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕੇਲਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਵਿਜੜਨ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਹੁੰਦਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੰਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਹੁੰਦਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਲਾ ਵਿਜੜ ਚੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਜਗਾੜ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਾ ਦੂੰ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ 500-600 'ਚ 500-600 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖ। ਕਤੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਚੱਕ ਲੈ ਬਾਈ ਨੇ ਗੋਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਗਾ ਪਿੰਡਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਵੱਟਾ ਵੁੱਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਨਿਵਾਂ ਭਰਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟੂਰਿਸਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਉਣੇ ਆਗੇ। ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜੂ, ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜੂ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਝਾਕਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਜ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਲੱਭ ਲਵਾਉਣ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਘੈਂਟ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,
तो पाकिस्तान दी बनाईया हुई उत्थे चीज़ा ने अज भी तो वह सारिया उमे पंगा ने वह सारा कुछ दिखावे तो कल मिलते हैं हम नवे सफरनामे नाल ते ए अज जिहड़ा सारा हुंदर दा झाका वाका सी ते हुण मैं आपदी वीडियो एडिट ते लगा आराम करा। सत श्री अकाल जी सारयां नूं।